संघर्ष बिता दीजिए मेरे साथ, पक्का है कि आपको प्यारे बच्चों बहुत ही हाई लेवल की पढ़ाई आपको मिलने वाली है और आपके एग्जाम में तो गर्दा उड़ने वाला है, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर जो क्वेश्चन आता है बाबू, सबसे पहले यहाँ पे समझिएगा, सबसे पहले यहाँ पे देखिए पहला नंबर क्वेश्चन आपका क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन ये है देखिए कि वार्नर सिद्धांत क्या है, वार्नर का सिद्धांत क्या है, वार्नर का सिद्धांत बाबू ये देखिएगा ना, 2013, 2016, 2018 बहुत बार पूछा गया, यानी हर बार मतलब ये आता है, अब की बार भी चांस है इसका आने का। तो यहाँ पे वार्नर का सिद्धांत क्या होता है, यहाँ पे पूछा जाता है कि वार्नर का सिद्धांत क्या है, तो यहाँ देखिए उपसंयोजन यौगिक के बारे में वार्नर का सिद्धांत को समझावे, ये भी पूछ देगा। तो यहाँ पे देखिए वार्नर का सिद्धांत यहाँ पे क्या होता है, उपसंयोजन यौगिक को लेकर हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट ऑफ कीजिए, प्लीज कमेंट ऑफ कीजिए, हम आपको अभी के अभी इस क्वेश्चन को, पांच नंबर का सवाल है बाबू, अभी के अभी आपको क्लियर करा दे रहे हैं। देखिए वर्नर का सिद्धांत क्या कहता है, तो वर्नर के अनुसार क्या कहता है, जितने भी उपसंयोजन यौगिक है ना, ये क्या है प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये क्या है हमारा, ये हमारा उपसंयोजन यौगिक है, क्या है बाबू ये उपसंयोजन यौगिक है, ये क्या होता है बाबू हमारा उपसंयोजन यौगिक होता है। देखिएगा ये CO, यहाँ देखिए NH3 और Cl3 क्या हो गया हमारा उपसंयोजन यौगिक हो गया, यानी कहने का मतलब हमारा वर्नर के अनुसार कहा जाता है बाबू, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जितने भी उपसंयोजक यौगिक है ना उसमें केंद्रीय धातु परमाणु के दो प्रकार संयोजकता दिखलाता है। जितने भी प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है कि वर्नर के अनुसार क्या होता है कि आप देखिए इनके अनुसार उपसंयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु के दो प्रकार के प्यारे बच्चों क्या होते हैं, संयोजकता दिखलाता है, यानी यहाँ पे आपको याद रखना है ये क्या है हमारा उपसंयोजन यौगिक है ना। तो देखिये ये पहला वाला क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु होता है बाबू, यहाँ पे आपको याद रखना है क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु होता है, ये क्या होता है बाबू केंद्रीय धातु परमाणु होता है, ये हमारे क्या होते हैं प्यारे बच्चों लिगेंड्स होते हैं, क्या होते हैं प्यारे बच्चों NH3 हमारे क्या होते हैं लिगेंड्स होते हैं, और ये हमारे क्या होते हैं आयन, Cl3 क्या हो गया प्यारे बच्चों आयन्स हो गए, ये क्या हो गया हमारे आयन्स हो गए। तो यहाँ देखिए आपको इतना तो पता होना चाहिए बाबू, क्लास 12 के छात्र है, फिर भी हम आपको बिल्कुल अच्छे से पांच नंबर का क्वेश्चन समझाएंगे कि देखिए वर्नर का सिद्धांत क्या कहता है, तो वर्नर के अनुसार उपसंयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु, यानी ये जो CO है ये क्या है केंद्रीय धातु परमाणु दो प्रकार के प्यारे बच्चों संयोजकता दिखलाता है, पहला संयोजकता क्या है क्लोरीन और दूसरा क्या है NH3, किस प्रकार कितने प्रकार का संयोजकता दिखला रहा है बाबू, केंद्रीय जो धातु परमाणु है हमारा, ये जो हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है समझिएगा, ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों, ये जो केंद्रीय धातु परमाणु है, रुकिए इसको मिटा देने दीजिए, ये जो हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है वो कितने प्रकार के संयोजकता को दिखला रहा है, पहला लिगेंड्स और दूसरा क्या क्लोरीन, यानी दो प्रकार के क्या कर रहा है उपसंयोजन यौगिक, यानी संयोजकता को दिखलाता है। तो यहाँ पे आप लोग समझ रहे हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं, यानी वर्नर के अनुसार क्या होता है, यानी वर्नर के अनुसार यही होता है कि केंद्रीय धातु परमाणु यहाँ पे क्या करता है, केंद्रीय धातु परमाणु दो प्रकार के संयोजकता को दर्शाता है, यहाँ देखिए एक तो लिगेंड्स हो गया और दूसरा क्लोरीन, यहाँ देखिए तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे डिफिनेशन को देखते हैं कि वर्नर के अनुसार उपसंयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु दो प्रकार के क्या करते हैं संयोजकता को दर्शाते हैं, और कौन कौन, तो प्राथमिक संयोजकता और द्वितीय संयोजकता, बाबू इसी प्रकार लिखना है पांच नंबर का, यहाँ पे आपके लिए क्या है पांच नंबर का बाबू यहाँ पे आपका ध्यान रखना है सवाल है, और यहाँ पे ये आपको याद रखना है पांच नंबर का सवाल है, और यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। तो बाबू यहाँ पे आपको इतना ध्यान रखना है, आप लोग इसको याद रखिएगा कि इसमें बोला क्या जा रहा है। तो देखिए पहला क्या दर्शाता है, प्राथमिक संयोजकता, प्राथमिक संयोजकता क्या होगा हमारा, यहाँ आप देख लीजिए प्राथमिक संयोजकता जैसे क्लोरीन हो गया, और दूसरा क्या हो गया हमारा NH3 जो हो गया लिगेंड, यानी उपसंयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु दो प्रकार के NH3 और Cl3 हमारा दर्शाता है, इतना समझ में आ गया। तो चलिए अब हम देखते हैं कि प्राथमिक संयोजकता में क्या कहता है, प्राथमिक संयोजकता में क्या कहता है, प्राथमिक संयोजकता में क्या कहता है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले तो हमको वो उपसंयोजन यौगिक लिखना होगा बाबू, क्या है CO है, और यहाँ पे क्या है बाबू यहाँ पे ध्यान रखना है ये हमारा क्या था प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो हमारे होते हैं ना, ये हमारे होते हैं प्यारे बच्चों, क्या यहाँ पे याद रखना है, ये बाहर रहेगा एक मिनट रुक जाइए, ये हमारे क्या है उपसंयोजन यौगिक है, ध्यान रखना है कि ये हमारे क्या है उपसंयोजन यौगिक है, सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ पे ये क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, ये हमारे क्या है उपसंयोजन यौगिक है, यही ना है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो वर्नर के अनुसार जो उपसंयोजक यौगिक है तो होते हैं ना, तो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ दो को प्यारे बच्चों क्या संयोजक जुड़े होते हैं, पहला लिगेंड्स दूसरा क्लोरीन, यहाँ देखिए तो यहाँ देखिए क्या है CO के साथ NH3 कितना जुड़ा है 6 को जुड़ा है। तो यहाँ पे पहले इसको डायग्राम बनाते हैं ताकि आपको पूरा 100% समझ में आएगा, और पांच नंबर का क्वेश्चन है तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा लेट होगा तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिएगा, सभी बच्चे को ध्यान देना है। कितना जुड़ा है NH3, बाबू देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो यहां पे आपको थोड़ा सा तो ध्यान तो लगाना ही पड़ेगा बाबू, थोड़ा सा टाइम तो देना ही पड़ेगा। देखिए कहने का मतलब यह है कि जो हमारा यहाँ पे क्या है ये CO है, यहाँ पे समझ लीजिए क्या है बाबू यहाँ पे CO है, यहाँ पे जगह नहीं है हम यहाँ पे लिख दिए, कहने का मतलब ये बाबू ये इसके लिए पा रहे कि यहाँ का यहाँ है, ये नहीं है कि इसको समझ लीजिएगा कि हाँ ये भी है, ये नहीं है, हम इसको दर्शाने के लिए कि यहाँ पे क्या है हमारा
केंद्रीय धातु परमाणु है, यानी सीओ है। यानी कहने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, जो सीओ है एनएच थ्री का कितना अच्छे को है, और जो क्लोरीन है हमारा प्रथम यहाँ पे संयोजकता कौन दर्शा रहा है, क्लोरीन दर्शा रहा है ना, तो यानी ये डॉटेड फॉर्म में क्या होगा यहाँ पे सीएल होगा, और सीएल पे क्या होता है माइनस को है बाबू, ये तीन को है ना सीएल थ्री है ना, तो यहाँ पे डॉटेड लाइन में सीएल तीन को देंगे, डॉटेड लाइन में बाबू क्या सीएल तीन को देंगे। यानी कहने का मतलब ये है बाबू, यहाँ पे आपको प्लीज ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, समझ लीजिएगा, कहने का मतलब ये है कि प्राथमिक संयोजकता जो होता है प्यारे बच्चों क्या होता है हमारा, जैसे क्लोरीन होता है, प्राथमिक संयोजकता क्लोरीन होता है, यानी वर्नर के अनुसार वो होता है कि उप संयोजन यौगिक है, यानी जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है ना उसके साथ दो संयोजकता जुड़ा होता है, यानी पहला संयोजकता हमारा लिगेंड्स हो गया NH3 और दूसरा क्या क्लोरीन हो गया, ये दोनों जुड़े होते हैं, तो देखिए NH3 भी जुड़ा होता है, ये क्या है केंद्रीय धातु परमाणु है यहाँ पे हमारा CO, और इसके साथ प्यारे बच्चों ये NH3 लिगेंड्स भी जुड़े हैं और हमारे क्लोरीन भी जुड़े हैं, यानी दो यौगिक जुड़े हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले करने वाले हैं कि प्राथमिक संयोजकता क्या होता है, प्राथमिक संयोजकता क्या होता है, देखिए यह ऋण आयन द्वारा संतुष्ट होते हैं, यानी कहने का मतलब क्या, प्राथमिक संयोजकता में क्या होगा हमारा क्लोरीन हो जाएगा, यह ऋण आयन होता है, यानी कि प्राथमिक संयोजकता हमारा क्या हो जाएगा ये क्लोरीन होगा, और जो क्लोरीन होगा ना ये सबसे बाहर होता है, यहाँ पे याद रखिएगा कि ये लिगेंड सबसे बाहर होता है क्लोरीन, यहाँ देखिए ये आप लोग पहले समझ लीजिए, पहला लिखिएगा कि यह यहाँ देखिए ऋण आयन द्वारा संतुष्ट होते हैं, यानी जो यहाँ पे प्रथम संयोजकता होता है जैसे क्लोरीन हो गया हमारा प्रथम, द्वितीय क्या होगा NH3 हो गया, ये लिगेंड्स हो गया हमारा द्वितीय संयोजकता, यानी कहने का मतलब है कि यह ऋण आयन द्वारा संतुष्ट होते हैं, और यहाँ देखिए यह ऋण आयन द्वारा संतुष्ट होते हैं। दूसरा क्या, ये डॉटेड फॉर्म से जुड़े होते हैं, ये बहुत ही कमजोर बल से जुड़े होते हैं, जैसे कमजोर बल यानी वैन डेर वाल बल यानी कोई भी बल हो उसके द्वारा जो क्लोरीन हो गया ना, यानी प्रथम संयोजकता के जितने भी होंगे क्लोरीन हो जाएंगे, ब्रोमीन भी हो जाएंगे, क्लोरीन भी हो जाएंगे, कोई भी होंगे, कोई भी लिगेंड्स प्रथम संयोजकता में एकदम यहाँ पे कमजोर के द्वारा जुड़े होते हैं, यानी ये डॉटेड फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे आपको इतना लिख देना है कि यह ऋण आयन द्वारा संतुष्ट होते हैं, यानी क्लोरीन पे क्या होते हैं, कभी भी याद रखना है क्लोरीन पे माइनस होता है। अब देखिए यह यहाँ देखिए बिंदु, यहाँ देखिए इसके बिंदु दर रेखा द्वारा दर्शाया जाता है, यानी इसे डॉटेड फॉर्म में दर्शाया जाता है, ये देखिए इसको डॉटेड फॉर्म में हम दर्शाए ना सीएल को, प्रथम संयोजकता को। अब देखिए यह विलयन में आयनिक हो जाते हैं, यानी कहने का मतलब क्या, यह विलयन में क्या हो जाएगा सीएल NaCl में प्यारे बच्चों क्या होता है, ये विलयन में क्या होते हैं प्यारे बच्चों, आयनीकृत हो जाते हैं, कौन तुम्हारे प्रथम संयोजकता, यानी कहने का मतलब क्या CL3 यानी सीएल। तो यहां पे आपको याद रखना है। अब देखिए कि प्राथमिक संयोजकता की निश्चित यहां देखिए दिशा नहीं होती है, क्योंकि ये कमजोर वैन डेर वाल बल द्वारा जुड़े होते हैं, और ये क्या होते हैं प्यारे बच्चों विलयन में क्या होते हैं पूर्णता आयनीकृत हो जाते हैं, इसलिए। तो यहाँ पे उसकी प्रथम संयोजकता के बारे में लिखना, और प्रथम संयोजकता में आपको याद रखना कि सिर्फ और सिर्फ आपको क्लोरीन के बारे में लिखना। तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे प्रथम संयोजकता तो आप लोग समझ गए, अब यहाँ पे हम आपको समझाते हैं कि ये द्वितीय संयोजकता क्या होता है बाबू। द्वितीय संयोजकता ये वर्नर का नियम है बाबू, आपको ध्यान रखना है, वर्नर का नियम है ये, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। बाबू टाइम लगे तो लगे ये सीख लीजिएगा, ये काम देता है, लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे आसान नहीं होते हैं बाबू, समझना पड़ता है तभी लिख पाएंगे, तभी यहाँ पे आपको मिल पाएगा। देखिए ये 6 को होगा, यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या है सीओ है, केंद्रीय धातु परमाणु है, और इसके साथ एक और तो सहसंयोजक यौगिक जुड़ा रहता है ना क्लोरीन, यहाँ पे आपको पता है ना इसके साथ सीएल भी तो जुड़ा है, तभी तो यहाँ पे कहा जाता है ना वर्नर के अनुसार क्या होता है दो यहाँ पे उप संयोजन यौगिक जुड़े होते हैं, जैसे प्यारे बच्चों क्या दो संयोजन यौगिक, जैसे एक लिगेंड्स यहाँ पे देखिए NH3 और एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग क्लोरीन के बारे में पढ़ लिए, प्रथम संयोजकता के बारे में पढ़ लिए कि जो हमारा क्लोरीन होता है ना वो क्या होता है प्यारे बच्चों, ये विलयन में पूर्णता आयनित हो जाता है, और ये होता है ये डॉटेड फॉर्म में होता है, ये सब हम लोग पढ़ लिए। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले कि ये द्वितीय संयोजकता यानी NH3 क्या होता है हमारा, NH3 यानी जो लिगेंड होता है वो क्या होता है। तो देखिए लिगेंड क्या होगा कि धातु की द्वितीय संयोजकता या तो ऋणात्मक आयन द्वारा या उदासीन अणुओं द्वारा, दोनों द्वारा ये होते हैं, या तो कहने का मतलब ये जो द्वितीय संयोजकता होंगे ना, यानी जो आपके लिगेंड्स होंगे NH3, ये तो या तो धनात्मक होंगे या तो ऋणात्मक होंगे, या तो ये उदासीन भी हो सकते हैं, ये किसी फॉर्म में हो सकते हैं, लेकिन जो प्रथम संयोजकता वाला होगा ना वो कभी भी ऋणायन होगा, यानी ये क्या होगा उस पर माइनस चार्ज होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको इतना लिख देना है। देखिए आधुनिक शब्दावली, यहाँ कहने का मतलब क्या, आधुनिक शब्दावली में यह धातु के समन्वय संख्या को दर्शाता है, कौन पैर बच्चों, तो ये समन्वय संख्या को दर्शाता है, कौन लिगेंड्स हमारे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है द्वितीय संयोजकता समन्वय क्षेत्र के अंदर लिखा जाता है, यानी कहने का मतलब क्या द्वितीय संयोजकता जो होता है कभी भी याद रखिएगा कि समन्वय संख्या के अंदर लिखे जाएंगे। देखिए कहने का मतलब क्या, ये जो द्वितीय संयोजकता होगा ना, ये जो हमारा द्वितीय संयोजकता होगा, ये वाला पार्ट ये समन्वय संख्या जो है ना बाबू, ये बड़ा वाला, ये जो समन्वय संख्या है ना इसके अंदर ही लिखा जाएगा, जबकि प्रथम संयोजकता के बारे में आप लिख सकते हैं कि समन्वय संख्या के बाहर ही रहता है, कभी भी प्रथम संयोजकता जैसे क्लोरीन है ये कभी भी क्या करेगा समन्वय संख्या के बाहर ही रहेगा, वर्नर का नियम है ये आपको लिखना है। तो यहां तक आपको पूरा क्लियर हो गया। अब देखिए दूसरा यहां पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ देखिए अब यहाँ पे है कि ये प्रकृति में, समझिएगा यहाँ पे बाबू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए कि यहाँ देखिए प्रकृति में दिशात्मक, यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान देंगे कि यह प्रकृति में दिशात्मक और यहां देखिए परिसर के निश्चित ज्यामिति देता है, यानी कहने का मतलब क्या, इसका जो होगा ना प्यारे बच्चों कभी भी दिशाहीन नहीं होगा ये, क्योंकि क्या होता है मजबूत से ये जुड़ा होता है, यानी इसका जो बॉन्ड होगा ना एकदम सीधा सीधा, और उसमें क्या होता है डॉटेड बॉन्ड होता है, किसमें तो प्रथम संयोजकता में डॉटेड बॉन्ड, यानी कमजोर बल के द्वारा बंधा होता है, जबकि ये जो होता है ना जो हमारे लिगेंड्स जुड़े होते हैं प्रथम यानी द्वितीय संयोजकता के वो बहुत ही मजबूत बंधन से ये जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे आपको लिख देना, तो यही हमारा वर्नर का नियम, आप लोग समझ सकते हैं कि वर्नर का नियम में यही बोला जाता है कि जो वर्नर के नियम में होते हैं ना जो उपसह संयोजन यौगिक होते हैं ना, जो उपसह संयोजन
यौगिक होते हैं। कहने का मतलब जो उपसंयोजन ये जो यौगिक है वो क्या होते हैं, केंद्रीय, जिसका इसका जो केंद्रीय परमाणु होता है ना, ये केंद्रीय परमाणु दो यहां देखिए सहसंयोजन से जुड़ा होता है। यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ पे केंद्रीय परमाणु होता है वो किससे जुड़ा होता है प्यारे बच्चों, तो दो यहाँ पे संयोजकता दिखलाते हैं, दो सहसंयोजन से जुड़ा होता है, जैसे एक लिगेंड्स हो गया, एक क्लोरीन। तो यहाँ पे आपको लिख देना है कि प्रथम में क्या होता है क्लोरीन, और क्लोरीन क्या होता है आपको पता है, ये पूर्णतः आयनीकृत हो जाता है। दूसरा क्या, ये डॉटेड फॉर्म में होता है, और ये क्या होता है, ये कभी भी इसके बाहर, संयोजकता के बाहर ये रहता है। तो यहाँ पे आप लोग इसको लिख दीजिएगा, उम्मीद है कि ये पांच नंबर आपका क्लियर हो गया होगा, 100% समझ में आ गया होगा, इतना मेहनत से समझाएंगे पूरा 100% आपको पूरा क्लियर हो ही गया होगा, हो गया कि नहीं बाबू, एक बार बता दीजिए। तो आप लोग लिख दीजिएगा ना कि जो केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं, यानी जो CO हमारा होता है केंद्रीय धातु परमाणु, वो दो यहाँ पे क्या बनाता है, दो संयोजकता बनाता है, दो संयोजकता बनाता है, एक तो लिगेंड्स बनाएगा, एक आयंस बनाएगा। जो आयंस होंगे वो कमजोर वैन डेर वाल्स द्वारा बंधे होंगे, डॉटेड फॉर्म में होंगे, और तीसरा आपको लिखना है कि उसमें क्या होंगे, वो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित हो जाएंगे। और भी लिख सकते हैं कि ये क्या होते हैं, ये जो उपसंयोजन जो जो बॉक्स होता है ना उसके बाहर ही रहते हैं, अंदर नहीं आते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ये सब प्लीज लिख दीजिएगा, आपका पांच नंबर तो कंफर्म है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, लिगेंड्स क्या है बाबू, लिगेंड्स तो आप लोग जान गए ना, लिगेंड्स NH3 या कुछ भी जो है प्यारे बच्चों, लिगेंड्स ये क्या होते हैं, तो देखिए लिगेंड्स पूछेगा कि लिगेंड्स क्या होते हैं, देखिए केंद्रीय परमाणु के चारों तरफ से जुड़े हुए अणु, परमाणु, आयन तथा परमाणुओं के समूह को लिगेंड्स के नाम से जाना जाता है। किसके यहाँ पे क्या होगा, लिगेंड्स होगा, लिगेंड्स के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि केंद्रीय परमाणु के चारों ओर, जैसे केंद्रीय परमाणु हमारा क्या होगा, CO हो गया, और जैसे उसी को ले लेते हैं, CO क्या था, CH3 यहाँ पे 6 था, NH3 6 था, यानी ये जो CO केंद्रीय परमाणु हो गया हमारा, ये जो हमारा CO हो गया केंद्रीय परमाणु, यहाँ पे ध्यान रखिएगा सभी बच्चे, ये हमारा जो हो गया प्यारे बच्चों क्या, केंद्रीय परमाणु, इससे क्या होते हैं प्यारे बच्चों, इससे ये जुड़े होते हैं हमारे क्या, लिगेंड्स, छह को कर देते हैं, तो छह को यहाँ पे देखिए कर देते हैं, आप सभी बच्चे ध्यान रखिएगा ये क्या होते हैं बाबू, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ऐसे आपको कोई नहीं समझाएगा, बच्चा की तरह हम आपको समझा रहे हैं, तो आप लोग प्लीज समझ लीजिए। यानी कहने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे समझिएगा कि लिगेंड्स हमारे क्या होते हैं, उदाहरण के साथ उनका वर्गीकृत करें, उदाहरण के साथ उनका वर्गीकृत करना है, क्वेश्चन देखने में भारी है लेकिन इतना लिखिएगा, पांच नंबर आपका कंफर्म है। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि लिगेंड्स क्या होते हैं, उदाहरण के साथ इनको वर्गीकृत करें। तो देखिए केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जो भी यहाँ देखिए यहाँ पे लिगेंड्स हो, आयन हो या कुछ भी हो प्यारे बच्चों, चारों तरफ से इसके जुड़े रहते हैं ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इसी को कहते हैं क्या, तो लिगेंड्स कहते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि केंद्रीय धातु परमाणु के चारों तरफ से जुड़े हुए अणु, परमाणु, आयन तथा जो परमाणुओं का समूह होगा ना, उसी को हम लोग लिगेंड्स के नाम से जानते हैं। तो बाबू यहाँ पे आपको लिगेंड समझ में आ गया होगा कि केंद्रीय धातु परमाणु के चारों तरफ से अगर जो जुड़े होंगे ना, जैसे केंद्रीय धातु परमाणु हमारा CO हो गया, उसके चारों तरफ क्या जुड़ा है, NH3, आप देखिए इसको H बना दीजिए, इसको N बना दीजिए, NH3 जितने भी प्यारे बच्चे होंगे, जैसे आप देखिए अणु जुड़ गए, परमाणु जुड़ गए, आयन जुड़ गए, कुछ भी जुड़ जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिगेंड्स कहते हैं। अब देखिए लिगेंड्स का वर्गीकरण क्या होता है, तो आवेश के आधार पर इनको तीन प्रकार में बांटा गया, लिगेंड्स को आवेश के आधार पर तीन प्रकार में बांटा गया, कौन कौन से वो प्रकार है हम आपको समझाने वाले हैं कि यहाँ पे लिगेंड्स के तीन प्रकार को कौन कौन से बांटा गया। पहला हमारा होता है उदासीन लिगेंड। अब देखिए उदासीन लिगेंड में क्या होता है, देखिए हमारा हो जाएगा H2O और यहाँ देखिए NH3 और CO। जैसे हम आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ाते थे तो पूछते कि इसमें से उदासीन लिगेंड का उदाहरण कौन है, बताइए ये क्वेश्चन पढ़ाया कि नहीं, तो आप लोग उसमें से बताते हैं कि जल के जो अणु होंगे ना वो उदासीन लिगेंड हो गए, ये क्वेश्चन कराए हैं कि नहीं सही से बताएगा, तो आज आपको पता चला ना कि उदासीन लिगेंड क्या होता है। तो यहाँ देखिए कहने का मतलब यही है कि अगर आपसे पूछ दे कि उदासीन लिगेंड क्या होता है, तो देखिए जैसे जल का अणु हो गया, यहाँ देखिए NH3 हो गया, अमोनिया होगा, CO हो गया, कार्बन मोनो हो गया, ये हमारे क्या होते हैं, उदासीन लिगेंड के उदाहरण होते हैं। अब देखिए आप देखिए धनात्मक लिगेंड कौन कौन से होंगे, तो देखिए NO प्लस हो जाएगा, HNO4 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये सब जितने भी होंगे ना हमारे, ये हमारे धनात्मक लिगेंड्स हो जाएगा। अब ऋणात्मक लिगेंड्स की बात करें बाबू, ऋणात्मक लिगेंड्स क्या होते हैं, तो यहाँ देखिए क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लोरीन और CN हो जाएगा, ये हमारे क्या हो जाएंगे, सब पे माइनस चार्ज होता है, ये क्या हो गया, ऋणात्मक लिगेंड्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन याद रखना है बाबू, पांच पांच नंबर का क्वेश्चन है, प्लीज याद रखिएगा, और जाके आप लोग क्वेश्चन बैंक में देखिएगा कितनी बार पूछा गया है। सबसे महत्वपूर्ण है वर्नर का सिद्धांत उपसंयोजन यौगिक को लेकर, बाबू वो समझ में आया ना, बस याद रखना है कि केंद्रीय धातु परमाणु के साथ दो संयोजकता वो दिखलाता है, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ वो दो संयोजकता को दिखलाता है, जिसमें प्रथम संयोजकता हो गया और द्वितीय संयोजकता हो गया। प्रथम संयोजकता में क्या होता है बाबू हमारा, प्रथम संयोजकता में क्या होता है हमारा क्लोरीन, जो पूर्णतः विलयन में वियोजित हो जाता है। दूसरा वो डॉटेड फॉर्म में होता है। तीसरा वो कमजोर वैन डेर वाल्स द्वारा वो जुड़ा होता है, वो क्या होता है, कोष्ठक के कभी भी बाहर होता है। यहाँ पे आपको लिख देना है, तो यहाँ पे बाबू ये सब लिख दीजिएगा, द्वितीय में भी आपको बताएं वो लिख दीजिएगा, प्लीज वो क्वेश्चन को याद रखिएगा। और यहाँ पे लिगेंड्स आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो केंद्रीय परमाणु हो गया, जैसे CO हो गया हमारा केंद्रीय परमाणु, इसके चारों तरफ अणु, परमाणु, आयन किसी भी समूह से अगर कोई जुड़ा है ना, जैसे देखिए यहाँ पे NH3 केंद्रीय परमाणु से जुड़ा है, तो ये फिगर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसी को लिगेंड्स कहेंगे। और लिगेंड्स का पूछा गया कि वर्गीकरण करें, तो लिगेंड्स हमारे तीन प्रकार के होते हैं, उदासीन लिगेंड, धनात्मक लिगेंड और ऋणात्मक लिगेंड। तो यहाँ पे आपको पूरा क्लियर हो गया, हो गया ना। तो चलिए बाबू इतना लेट नहीं करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन को हम यहाँ पे पढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इंग्लिश मीडियम है, बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे या तो PDF डाउनलोड कर लेंगे, जरूर इसका PDF हम आपको दे देंगे। बिल्कुल आज से नई शुरुआत होगी, पूरा आपको ट्रेंड कर दिया जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, द्रव स्नेही तथा द्रव विलोमी, आप देखिए विरोधी कोलाइड क्या है, द्रव स्नेही कोलाइड तथा द्रव विरोधी कोलाइड क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पांच नंबर का तीन बार आया हुआ क्वेश्चन है बाबू, सबके सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है,
सबके सब क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, तो सभी मेरे प्यारे लाल यहाँ पे समझेंगे कि यहाँ पे ये होता क्या है। तो चलिए हम यहाँ पे समझ जाते हैं यहाँ पे आपको कि द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइड क्या है। द्रव स्नेही यानी द्रव की तरफ उसका स्नेह है, द्रव विरोधी यानी द्रव की तरफ उसका विरोध है। तो यहाँ पे आप लोग इसको भी ऐसे भी समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम आपको समझाते हैं कि वे पदार्थ जो द्रव अर्थात परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में आने पर आसानी से कोलाइडी विलयन बना ले, उस प्रकार के यहाँ पे देखिए द्रव को हम लोग द्रव स्नेही या द्रव रागी कोलाइड भी कहते हैं, या प्यारे बच्चों लायोफिलिक कोलाइड भी कहते हैं, लायोफिलिक कोलाइड। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि द्रव स्नेही कोलाइड हमारा क्या होता है। बाबू यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि द्रव स्नेही कोलाइड हमारा आखिर होता क्या है। तो देखिए वे पदार्थ द्रव स्नेही यानी क्या, द्रव की तरफ इसका स्नेह होगा, द्रव की तरफ ये आकर्षित होंगे, द्रव स्नेही। और द्रव विरोधी क्या मतलब है, द्रव के पास उनका विरोध होगा यानी वो द्रव के पास जाना नहीं चाहेंगे। यानी आप लोग इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि वे पदार्थ जो क्या हो, वे पदार्थ जो द्रव माध्यम के संपर्क में, ये छोड़ दीजिए अर्थात वाला यहाँ पे सोचिए कि ये खत्म है। अब यहाँ पे देखिए वे पदार्थ जो द्रव माध्यम के संपर्क में आने पर आसानी से कोलाइड में बदल जाए, यानी जो द्रव के साथ आसानी से कोलाइड में बदल जाता है, आसानी से कोलाइड में विलयन मतलब क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, विलयन बन जाता है, उसी को हम लोग द्रव स्नेही या द्रव, यहाँ पे देखिए द्रव रागी कोलाइड या लायोफिलिक कोलाइड कहते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोग समझ गए। अब देखिए जो लायोफिलिक कोलाइड होता है ना, विलयन प्राय अस्थायी होते हैं। यहाँ पे आपको याद रखना कि जितने भी द्रव यहाँ देखिए कोलाइड विलयन होंगे, द्रव रागी यानी यहाँ देखिए द्रव स्नेही जो कोलाइड होंगे, लायोफिलिक कोलाइड जो सॉल्व होंगे ना, वो प्राय अस्थायी होते हैं, क्योंकि इनमें परिक्षेपण माध्यम तथा परिक्षेपित प्रवस्था के बीच आकर्षण बल आरोपित होता है। क्यों, क्योंकि ये इनके पास देखिए द्रव स्नेही, इनके पास क्या होगा, आकर्षण बल होगा। तो यहाँ पे आकर्षण बल होगा तभी तो एक दूसरे को प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं, विलयन बना दे रहे हैं। द्रव यहाँ देखें, अगर जो पदार्थ द्रव माध्यम के संपर्क में आने पर आसानी से कोलाइडी बना रहा है तो उसे हम लोग द्रव स्नेही कहते हैं। यानी द्रव जो स्नेही विलयन होता है अस्थायी होता है, क्योंकि इनमें प्रक्षेपण माध्यम तथा प्रक्षेपित प्रवस्था के बीच आकर्षण बल यहाँ पे क्या होते हैं, आकर्षण बल होते हैं, यानी आकर्षण बल इन पे लगते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसको भी लिख देना। अगला यहाँ देखिए जैसे उदाहरण में हो गया गोंद, स्टार्च, प्रोटीन आदि द्रव स्नेही कोलाइड के उदाहरण है। अगर आपसे पूछेगा कि द्रव स्नेही कोलाइड के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, गोंद हमारा हो जाएगा, स्टार्च हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा, यहाँ पे आदि द्रव स्नेही कोलाइड के उदाहरण होते हैं। देखिए द्रव स्नेही कोलाइड क्या होता है, उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। यानी जो द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं उत्क्रमणीय प्रकृति का मतलब है कि जिसको फिर से पैदा कर सकते हैं। यानी जैसे प्यारे बच्चों यहाँ देखिए जल को वाष्प बनाना, फिर वाष्प को जल बनाना, यहाँ देखिए और देखिए यहाँ पे और भी हो गया, जैसे पानी को बर्फ करना और बर्फ को फिर क्या करना प्यारे बच्चों, पानी कर देना। जैसे शरबत को जमा के प्यारे बच्चों आइसक्रीम बनाना और आइसक्रीम को फिर पिघला के शरबत बना देना, यानी विलयन बना देना। यानी कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि उदाहरण के लिए यहाँ पे लिखा गया है कि ये सब तो प्यारे बच्चों क्या होते हैं, हमारे द्रव स्नेही होते हैं, लेकिन द्रव स्नेही कोलाइड उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है या धातु अपघट्य के विलयों में शीघ्र ही अवक्षेपित नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको इसको याद रखना है, ये क्या है, हमारा द्रव स्नेही है। अब यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, द्रव यहाँ पे विरोधी कोलाइड, कि द्रव विरोधी यानी द्रव के साथ उसका विरोध होगा, वो द्रव के साथ क्या था, आकर्षण था, उसका अट्रैक्शन था, लेकिन द्रव विरोधी में क्या होगा, द्रव के साथ उसका प्यारे बच्चों क्या होगा, विकर्षण होगा। ये इंग्लिश मीडियम वाले के लिए है, ये आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अब देखिए द्रव विरोधी कोलाइड क्या होता है, ये सब 5-5 नंबर का क्वेश्चन है बाबू, तो ध्यान रखिए इसको पढ़ना है। देखिए द्रव विरोधी हमारा कोलाइड क्या होता है समझिएगा, द्रव विरोधी कोलाइड क्या होता है, तो जब प्रक्षेपण माध्यम के संपर्क में आने पर आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं बनते हैं उन्हें द्रव विरोधी अथवा द्रव रागी या लायोफोबिक कोलाइड सोल कहते हैं। देखिए द्रव से नहीं यानी द्रव से आकर्षित करके विलयन बनाते हैं, जो द्रव से आकर्षित होकर विलयन बना दे, द्रव से नहीं। बाबू इससे आसान डेफिनेशन आपको पूरे YouTube पे कोई नहीं बताने वाला, इतना ध्यान रखिएगा। और जो द्रव से आकर्षित ना हो और यहाँ पे वो विलयन ना बनाए उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्रव विरोधी कोलाइड कहेंगे। तो यहाँ पे आपको इतना क्लियर हो गया, देखिए द्रव विरोधी कोलाइड विलयन यहाँ देखिए अस्थायी होता है, जो द्रव विरोधी कोलाइड होता है ना, जो प्यारे बच्चों लायोफोबिक कोलाइड सोल होता है वो अस्थायी होता है, क्योंकि इनमें प्रक्षेपण माध्यम तथा प्रक्षेपित प्रवस्था बीच आकर्षण बल लगभग नहीं के बराबर होता है। जब प्यारे बच्चों ये द्रव विरोधी है तो ये प्रक्षेपण माध्यम, प्रक्षेपित प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम के बीच प्यारे बच्चों आकर्षण बल नहीं लग रहा है, आकर्षण बल नहीं, प्रतिकर्षण बल यानी ना के बराबर होता है। यहाँ पे आपको लिख देना, जैसे लिखा गया कि द्रव विरोधी कोलाइड विलयन अस्थायी होता है, क्योंकि इनमें प्रक्षेपण माध्यम तथा प्रक्षेपित प्रवस्था के बीच कोई आकर्षण बल होता ही नहीं है, होता भी है तो एकदम नहीं के बराबर, पूछने लायक भी नहीं। तो यहाँ पे आपको याद रखना, जैसे उदाहरण लीजिए सल्फर हो गया, सल्फर सोल हो गया, सोना सोल हो गया, प्लेटिनम हो गया, प्लेटिनम सोल हो गया, ये सब क्या आता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सब जितने भी होते हैं ना द्रव विरोधी कोलाइड हमारे कहलाते हैं। तो यहाँ पे ये 5 नंबर क्लियर हुआ। देखिए या तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, या तो देखिए ये तो प्यारे बच्चों क्लियर हो गया, अब यहाँ देखिए या तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा जो हम आपको बता रहे हैं, इसी का संबंधित है, ये दोनों में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो हम आपको जो बता रहे हैं आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, प्लीज इसको याद कर लेंगे, हम यहाँ पे दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइड में अंतर लिखे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। द्रव स्नेही जिसका द्रव की तरफ स्नेह हो, जो क्या हो द्रव के साथ आकर्षित होकर विलयन बना दे उसे क्या कहेंगे, द्रव स्नेही। और जो क्या होता है द्रव के साथ आकर्षित होकर नहीं करता है क्योंकि उसमें आकर्षण बल नगण्य के बराबर होता है। यहाँ पे आप लोग सीख लिए, देखिए द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइड में अंतर, ये 4 बार क्वेश्चन पूछा गया, जाके देख लीजिए।
देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, आप लोग जाके देख लीजिएगा कि ये चार बार पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइड में अंतर क्या क्या होते हैं हम आपको समझाते हैं। तो द्रव स्नेही कोलाइड अस्थायी होते हैं, हम आपको बताया ना कि द्रव स्नेही कोलाइड अस्थायी होते हैं, जबकि जो द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं वो अस्थायी होते हैं। आप लोग अपने से भी ये लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, और आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि यह विलयन में नहीं वियोजित होता है। इसका आकर्षण बल प्यारे बच्चों, द्रव स्नेही का आकर्षण बल प्यारे बच्चों प्रबल होता है, मजबूत होता है, जबकि द्रव विरोधी का आकर्षण बल एकदम नहीं होता है, नहीं के बराबर होता है। तो ये आप लोग लिख सकते हैं, अपने से भी आपको समझा दिए, आप लोग लिख सकते हैं। देखिए दूसरा क्या है कि द्रव स्नेही कोलाइड उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। ये बताया ना अभी कि द्रव स्नेही कोलाइड को फिर से पैदा कर दिया जा सकता है। ये क्या होते हैं? द्रव स्नेही कोलाइड उत्क्रमणीय होते हैं, तो यहां पे आपको याद रखना है, जबकि द्रव विरोधी कोलाइड अनुत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं, जिसको फिर से पैदा नहीं किया जा सकता। जैसे सजीव में वृद्धि, पहले आप छोटे थे, पांचवें में पढ़ रहे थे, कल ही हम क्लास नहीं लिए, परसों जो क्लास लिए फिर आप ले सकते हैं, फिर हम यहां वैसे फिर परसों जाके उसमें कुछ सुधार कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो अब यहीं पर वही बात हुआ, जैसे सजीवों में वृद्धि, दूध से दही बन गया, दही से दूध बन सकता है, नहीं बनेगा, लेकिन पानी से बर्फ बन गया और बर्फ से पानी बन सकता है, तो वो हो जाएगा उत्क्रमणीय, और जिसे हम लोग फिर से पैदा नहीं कर सकते उसे अनुत्क्रमणीय। यानी कहने का मतलब जो द्रव स्नेही कोलाइड होगा प्यारे बच्चों क्या होगा, वो उत्क्रमणीय होगा, और जो द्रव विरोधी होगा वो क्या होगा, अनुत्क्रमणीय होगा। यहां पे आपको इतना क्लियर हुआ। अब देखिए द्रव स्नेही कोलाइड जल में शीघ्र ही अवक्षेपित नहीं होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि जो द्रव स्नेही कोलाइड है जल में शीघ्र अवक्षेपित नहीं होता है, जबकि जो द्रव विरोधी कोलाइड होता है जल में क्या होता है, शीघ्र ही अवक्षेपित हो जाता है, अवक्षेपित हो जाता है, अवक्षेपित। तो यहां पे आपको याद रखना है। अब देखिए चार नंबर की, द्रव स्नेही कोलाइड के कणों का आकार मात्र यहां देखिए बहुत कम या शून्य होता है, जबकि जो द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं कणों का आकार निश्चित धनात्मक या ऋणात्मक आवेश के हो सकते हैं। तो यहां पे आपको यह भी लिख देना, जैसे यहां देखिए इसमें हो गया गोंद, स्टार्च, प्रोटीन आदि द्रव स्नेही कोलाइड है, जबकि सल्फर, सोना, सोल द्रव विरोधी कोलाइड, ये सब जितने भी होते हैं ये द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं। तो यहां पे बाबू ये पांच नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे से समझा चुके हैं, तो प्लीज इसको याद रखिएगा। पांच पांच नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन चला है, तो सभी बच्चे मेरे प्यारे बच्चे यहां पे इसको समझ गए होंगे कि द्रव स्नेही, जिसका द्रव के साथ स्नेह हो, तो यहां देखिए जो द्रव के साथ क्या करें बाबू, यहां पे वियोजित हो जाते हैं, घुल जाते हैं, उसके साथ प्यारे बच्चों क्या विलयन बना देते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड हो। तो यहां देखिए, और इसमें क्या होता है, प्रक्षेपित माध्यम और प्रक्षेपित प्रवस्था और प्रक्षेपित माध्यम के बीच इसमें आकर्षण बल होता है, और द्रव स्नेही क्या होते हैं, उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं, जबकि द्रव विरोधी में क्या होता है प्यारे बच्चों, ये विलयन, यहां पे देखिए किसी भी विलयन के साथ प्यारे बच्चों क्या होते हैं, इनका जो होता है प्रक्षेपित प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम के बीच प्यारे बच्चों क्या होता है, प्रतिकर्षण बल लगता है, इनके ऊपर कोई बल ही नहीं होता है। तो यहां पे आपको याद रखना है, और ये क्या होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं। तो यहां पे ये सब आप लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से आपको समझा चुके हैं, और आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा बाबू आपको ये सब क्वेश्चन पांच पांच नंबर वाला लग रहा है कि आप लोग ये केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री का आप लोग पांच पांच नंबर का क्वेश्चन वाला पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए यहां देखिए क्वेश्चन यहां पे क्या है, पांच नंबर, पांच नंबर क्वेश्चन है कि लोहे का निष्कर्षण कैसे करते हैं, यहां देखिए, और लोहे के अयस्क के मतलब लोहे की इन्हीं दो अयस्कों के नाम लिखिए, और लोहे का निष्कर्षण हम कैसे कर सकते हैं बाबू, ये लोहे का निष्कर्षण वाला पांच बार, जहां की देखिएगा ना, लोहे का निष्कर्षण कैसे कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पांच बार पूछा गया बाबू, ये सब क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहां पर याद होना चाहिए, ये सब क्वेश्चन बाबू पूछा गया, प्लीज ये सब क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, प्लीज ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा, प्लीज मेरे शेर, तो ये सब क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए कि लोहे का निष्कर्षण कैसे होता है, और लोहा अयस्क क्या है, इसके दो अयस्कों को लिखें। तो देखिए लोहे का आप देखें ऑक्साइड अयस्क क्या होते हैं हमारे, यहां देखिए लोहे के ऑक्साइड क्या कौन कौन से होंगे, हेमेटाइट जिसे Fe यहां देखिए 2O3 कहा जाता है, और मैग्नेटाइट होता है लोहे का अयस्क। तो यहां पे बिल्कुल आसान शब्द, अगर आपसे पूछा जाए कि लोहे के दो अयस्कों के नाम लिखें, तो पहला हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ये क्या है, प्रमुख लोहे के दो अयस्क, जिसको हेमेटाइट का सूत्र लिख देना है Fe2O3, और यहां देखिए मैग्नेटाइट का लिखना है Fe3O4। तो यहां पे आप लोग इसको लिख दीजिएगा, बिल्कुल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यहां पे देखिए क्या लिखना है कि यहां पे लोहे का हम निष्कर्षण किस विधि के द्वारा कर सकते हैं, हर चीज का निष्कर्षण का विधि होता है ना, तो हम लोग लोहे का निष्कर्षण किस विधि के द्वारा करेंगे बाबू, यहां पे सबके सब क्वेश्चन को अभी के अभी याद करवा देंगे, इतना ध्यान रखिएगा। ये देखिए क्वेश्चन क्या है कि लोहे का निष्कर्षण पूछा गया है बाबू, लोहे का निष्कर्षण वात्याभट्टी द्वारा किया जाता है, आयरन का निष्कर्षण हेमेटाइट अयस्क द्वारा निम्नलिखित विधि से किया जाता है, यानी यहां देखिए लोहे का जो निष्कर्षण होगा ना वात्याभट्टी द्वारा भी किया जाएगा, आयरन का निष्कर्षण हेमेटाइट अयस्क द्वारा भी किया जा सकता है, कई प्रकार हैं, तो जिसमें से पहला है हमारा सांद्रण। यहां देखिए सांद्रण करके हम लोग लोहे का निष्कर्षण कैसे कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, सांद्रण करके लोहे का निष्कर्षण करना है। तो देखिए अधिकांश हेमेटाइट अयस्क को सांद्रण यहां पे देखिए आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसमें 20-50% के बीच लोहा प्राप्त होता है। यहां पे आप लोग देख लीजिएगा, जैसे लिखे हैं लिखिएगा कि अधिकांश हेमेटाइट अयस्क के सांद्रण की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि अयस्कों में क्या होता है, अयस्कों से 20-55% के बीच लोहा प्राप्त हो जाता है। अगर अयस्क में हल्की अशुद्धि जैसे रेत, मिट्टी, कण उपस्थित होते हैं ना, तो इसको अयस्क को बारीक चूर्ण को क्या किया जाता है, जल की धारा में धोके प्यारे बच्चों क्या कर दिया जाता है, इसकी अशुद्धि को दूर कर दिया जाता है, यानी सांद्रण का मतलब क्या, उसको धो देना, यानी कहने का मतलब क्या कि हेमेटाइट जो अयस्क होता है ना, इसमें जो होता है प्यारे बच्चों सांद्रण में होता है कि 20-50% तक आपके लोहे ही होते हैं, तो इसमें उतना मेहनत नहीं करना पड़ता है, और जो भी 50% होते हैं जैसे रेत हो गया, धूल कण हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसको सांद्रण करने के लिए जाएंगे नदी में, तेज धाराओं में उसको क्या करेंगे, उसको धो देंगे, वो 50% प्यारे बच्चों निकल जाएगा। तो यहाँ पे इसको ऐसे यहाँ पे क्या किया जाता है, निष्कर्षित किया जाता है, किसको सांद्रित किया जाता है, किसको, तो लोहे को। तो लोहे को हमको पांच नंबर लिखना है कि सांद्रण करना है, तो कई विधियां हैं, तो दो तीन विधि आपको कम से कम लिखना पड़ेगा। पहला विधि तो आप लोग जान गए कि ये जो होता है ना
सांद्रण वाला, सांद्रण नहीं, आवश्यकता नहीं के बराबर होती है, क्योंकि इसमें से 20-50% तो आपको लोहा बच ही जाता है, और जो भी जैसे देखिए उसमें रेत जमा हो, मिट्टी जमा हो, कई प्रकार की अशुद्धि उपस्थित होते हैं, तो उसको क्या किया जाता है, इसको को बारीक चूर्ण के जल में क्या कर दिया जाता है, उसको धो दिया जाता है, उसको धोने पे वो निकल जाते हैं। तो ये हमारा सांद्रण वाला हो गया। अब देखिए इसको गुरुत्व पृथक्करण विधि से किसका, अब देखिए अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरुत्व पृथक्करण विधि से किसको सांद्रित किया जाएगा, आप क्या बताते हैं कि सर जी गुरुत्व पृथक्करण विधि से हम लोग हेमेटाइट यानी लोहे को सांद्रित करते हैं, तो बाबू एक ये लिख दीजिएगा, जो कि हम आपको बहुत बार समझा चुके हैं कि गुरुत्व पृथक्करण विधि में क्या होता है, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में अशुद्धियां रहती हैं, बहुत ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या रहती है, अशुद्धियां रहती है, जिसको क्या करना जाता है, पहले महीन बारीक पीस दिया जाता है। गुरुत्व पृथक्करण विधि की हम बात करें, खूब महीन बारीक इसको पीस दिया जाता है, फिर इसको जल की धारा में ले जाकर प्यार बच्चों क्या कर दिया जाता है, मतलब जल की धारा में उसको बहा दिया जाता है, जिसमें से क्या होता है जो धूल कण होते हैं ना मिट्टी, वो हल्के होने के कारण जल की धारा से निकल जाएंगे, लेकिन जो आपके शुद्ध अयस्क होंगे ना, जैसे आपके हेमेटाइट हो गया, हेमेटाइट जो होगा, जो लोहे होगा प्यार बच्चों, वो नीचे बैठा रहेगा, बाकी जितने अशुद्धि होंगे जल की धारा में बह जाएंगे। तो इस प्रकार के प्यार बच्चों मतलब यहाँ पर देखिए विधि को हम लोग गुरुत्व पृथक्करण विधि के नाम से जानते हैं। तो यहाँ देखिए इस विधि का उपयोग सामान्यतः तब किया जाता है जब अयस्क के कारण आघात्री यानी अशुद्धियों से बहुत भरा होता है। सांद्रण में क्या था, सांद्रण में था कि 10-20-50% आपके जो लोहे के अयस्क होते हैं वो शुद्ध होते हैं, उसमें क्या होता है 50% यहाँ देखिए धूल पाक कीचड़ यहाँ देखिए जो भी हो प्यार बच्चों वो क्या होता है उसमें रेत बहुत घुसा रहता है, तो उसको सांद्रण करने के लिए जाइए तालाब में ले जाकर ले है धो दीजिए साफ हो गया, लेकिन इसमें क्या होता है बहुत ज्यादा मात्रा में अशुद्धियां इसमें क्या रहती है उपस्थित रहती है, तो इसको सबसे पहले क्या किया जाता है बारीक पीसा जाता है, और बारीक पीस के क्या किया जाता है जल की धारा में इसको धो दिया जाता है, और शुद्धिकरण हल्का होने के कारण जल की धारा में क्या होती है बह जाती है, जो अशुद्धिकरण हो गया जैसे रेत हो गया धूल कण मिट्टी हो गया कुछ भी हो गया वो तो प्यारे बच्चों लोहे से हल्के होंगे तो लोहा नीचे जमीन पर बैठ जाएगा और जो अशुद्धि होंगे वो जल की धारा में बहते चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा, तो इसी प्रकार के प्यारे बच्चों संशोधन को हम लोग क्या कहते हैं गुरुत्व पृथक्करण विधि कहते हैं, और इसके द्वारा भी हम लोग का निष्कर्षण कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों क्लास कैसा लगा ये आप लोग बताइएगा, और 5-5 नंबर का ये क्वेश्चन है आपको समझ में आया कि नहीं आया। पहले तो प्यारे बच्चों बानर का नियम हम आपको बता दिए, विषाक्त संयोजक में बानर का नियम क्या होता है, केंद्रीय परमाणु के साथ दुगो संयोजकता दिखलाता है, कौन कौन दिखलाता है तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कौन कौन दिखलाएगा, जल्दी जल्दी बता दीजिए, जल्दी जल्दी फटाफट, वेरी गुड। तो यहाँ पे आपको सबको पता है कि प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये सब प्यारे बच्चों क्वेश्चन को आप लोग लिख दीजिएगा, और वानर का नियम यहाँ देखिए उपसा संयोजन में क्या दिया है उन्होंने ये लिख दीजिएगा, और देखिए यहाँ पे दूसरा आप लोग क्या लिखेगा गुरुत्व पृथक्करण विधि वाला, और ये जो बताए हैं ना 3-4 क्वेश्चन वो सब क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो प्यारे बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन को लिमिट से ही दिया जाता है, 20 क्वेश्चन बताएंगे आपका 20-30 क्वेश्चन में ना पूरा का पूरा नहीं लड़ गया तो आप लोग भी बोलिएगा। तो आज हम 5 क्वेश्चन आपको बता दिए, ये 5 क्वेश्चन आपको याद हो जाने चाहिए। अब अगला बार बताएंगे लोहे का हुआ एल्युमिनियम का, या तो लोहे का पूछेगा या तो एल्युमिनियम का पूछेगा, एको कंफर्म है आपका 100% कंफर्म है। तो ये लोहे का आप लोग को पूरा 100% याद हो गया होगा कि लोहे का निष्कर्षण क्या होता है, हमें दुगो अयस्क पूछा है हेमेटाइट मैग्नेटाइट, दूसरा यहाँ देखिए इसकी विधियां होती है, पहले दुगो विधि लिख दीजिएगा, यहाँ पे क्या सांद्रण करके, सांद्रण में तो आपको पता है कि 20-50% उसके शुद्ध मतलब लोहा ही होता है, और यहाँ पे जो 50-60% होता है वो धूल कण होते हैं, तो इसको आराम से तालाब में ले जाकर धो सकते हैं, ये हो सकता है, ये ना के बराबर होता है सांद्रण। लेकिन वहीं यहाँ देखिए गुरुत्व पृथक्करण में क्या होता है जब भारी मात्रा में अशुद्धि हो, अब ऐसा थोड़ी हो सकता है कि सिर्फ कम ही मात्रा में अशुद्धि हो, लोहे में कम ही मात्रा में अशुद्धि हो, अब यहाँ पे इतना माटी है इसमें बारीक बारीक बहुत सारा लोहा हो तो उसको कैसे सांद्रित किया जाएगा, मान लीजिए कि एक गमले में इतना सा आपको लोहा का चूर्ण उसमें मिला दिया जाए, इतना सा लोहे का चूर्ण मिला दिया जाए तो उसको सांद्रित करने का तो विधि होना चाहिए ना, तो उसको करेंगे गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्व पृथक्करण विधि से। तो यहाँ पे बाबू ये उसको धो देंगे, जब पानी में धोएंगे तो क्या होगा मिट्टी हमारी दह जाएगी, जो लोहे होंगे वो टिक जाएंगे।